नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लम्बर एनके में। दोस्तों, टैंक निप्पल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले भी बनाई थी एक, कि टैंक निप्पल को हमें किस तरह से लगाना चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें टैंक निप्पल जो है हमारा वो लीक हो रहा है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को भी ज़रूर देखना। उसमें मैंने GI का टैंक निप्पल कसा है, कैसे हम कसते हैं टैंक निप्पल को, और इसमें जो है CPVC का टैंक निप्पल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो मकान आप देख रहे हैं इसकी जो नई फिटिंग है उसके बारे में भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टैंक निप्पल हमारा यहाँ से टपक रहा है, ये CPVC का टैंक निप्पल है हमारा। तो ये रबड़ जो है, रबड़ तो सही तरीके से लगी हुई है, मैं अभी पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टैंक निप्पल यहाँ से टपक रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है ये तो छेद बड़ा हो गया है या रबड़ ढंग से बैठी नहीं है, तो इसकी लीकेज बंद करेंगे हम। तो ये जो CPVC का टैंक निप्पल है इसको पहले हम ढीला कर लेंगे, और इसको अंदर से खोलने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से खोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये CPVC का टैंक निप्पल है, थोड़ा सा बाहर की तरफ दाब लगा के तब हमें इसे खोलना है, और इसमें जो है हमें पीछे रबड़ के धागा लगाना है, और टंकी इसमें खाली करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये टैंक निप्पल के आगे बाल लगा हुआ है हमारा, ये जो टुकड़ा लग रहा है 6 इंची का, इसके आगे बाल लगा हुआ है। तो बाल बंद कर रखा है मैंने, और ये इसको ढीला करके मैं इसमें धागा लगा के फिर इसको जो है कस दूंगा मैं। ये मैंने बाल खोल दिया है इसका, और मैं अभी आपको पास ले जा कर दिखाता हूँ, इसकी लीकेज बंद हो गई है हमारी। ये देखिए, लीकेज बंद हो गई, बिल्कुल भी नहीं आ रहा पानी इसमें, आपको दिख ही गया होगा। तो ये लीकेज हमको ऐसे बंद करनी है। एक वीडियो और मैंने बना रखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं टैंक निप्पल हमें कैसे लगाना है।